पदोन्नति सहित अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर आज प्रतापगढ़ में राजस्थान राज्य वाहन चालक एवं तकनीकी कर्मचारी संघ की ओर से कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिला अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि वाहन चालक संवर्ग की विभिन्न मांगों को लेकर संघ की ओर से सरकार का ध्यान कई मर्तबा आकृष्ट कराया गया है, लेकिन उनकी मांगों के समाधान के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि उन्हें तय समय पर पदोन्नति प्रदान की जाए, राजकीय सेवा में लगे सभी वाहनों का बीमा करवाया जाए, वित्त विभाग के वेतन कटौती आदेश को वापस लिया जाए, चालक सेवा नियमों में संशोधन किया जाए, साथ ही विपरीत प्रतिनियुक्ति वाले वाहन चालकों को विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। चौहान ने बताया कि इन सात सूत्री मांगों को लेकर आगामी 23 दिसंबर को जयपुर के सहिक स्मारक पर संघ से जुड़े पूरे प्रदेश के कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। प्रतापगढ़ से दिलीप सेन की रिपोर्ट। मैं अमर सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़, आखिर राजस्थान राज्य वाहन चालक तकनीकी संघ के संदर्भ में हमने आज जिला कलेक्टर महोदय को हमारी सात सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जिसमें वाहन चालकों को हार्ड अलाउंस, हमारी ड्यूटी बहुत हार्ड होती है, 24 घंटे हम हर समय अपनी ड्यूटी पर उपलब्ध रहते हैं, इसलिए हमें हार्ड अलाउंस दिया जाए, साथ ही जो रिक्त पद पड़े हुए हैं इनको भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता वाहन चालकों की बारी की जाए, इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया। जिला अजय वीर सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम 23 तारीख को जयपुर में एक दिवसीय धरना देंगे, जिसके संदर्भ में जिले के समस्त वाहन चालक को इन्हें सहमति दिए और हम उस धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे।